हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज मैं एक बहुत शानदार वाला वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए, बहुत जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा नेट जेब का पेपर है, यूजीसी नेट का जो पेपर है, वो कब होगा। देखो, एक सिस्टम होता है कि जब हमारे बिल्कुल सामने टारगेट होता है ना, जब हमारे बिल्कुल सामने टारगेट होता है तो हमारे से मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हमारा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है, हमारे सामने टारगेट नहीं है, हम ऐसे नहीं गिन पा रहे कि अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे। तो हमारी सीरियस होकर दिल वाली पढ़ाई नहीं हो रही, जो हम दिल से करते हैं ना, वो वाली पढ़ाई नहीं हो पा रही। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ कि अब हमारा एग्जाम कब होगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके द्वारा मैं बिल्कुल आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अब एग्जाम कब होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अब बिल्कुल टाइम पास में आ गया, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जेई मेंस व नीट की तिथियों का ऐलान जल्द। जेई मेंस व नीट को लेकर छात्रों का इंतजार इंतजार खत्म होने वाला है। इसी महीने इन परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा। इन परीक्षाओं की शुरुआत जुलाई के अंतिम हफ्ते से हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। अब आप बोलोगे कि सर फिर हमारे नेट जेरप का क्या लिंक? अरे भाई साहब, हमारे नेट जेरप का एग्जाम कौन करवाता है? ये NTA ही करवाता है। ठीक है, जब ये NTA हमारा नेट का एग्जाम करवाता है, और मैंने पहले बताया था, पहली जी मेंस का पेपर होगा, उसके बाद AIPMT का पेपर होगा, उसके बाद UGC नेट का पेपर होगा। ठीक है, तो जैसे ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद हमारा पेपर होगा। तो अब हमारे पेपर के होने के पूरे पूरे चांस हैं 10 अगस्त के आसपास। ठीक है, जो अगस्त का पहला सप्ताह रहेगा उसमें 100% हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और इसी मंथ के लास्ट तक जब IIT मेंस का एवं AIPMT का पेपर होगा, उसी पीरियड में हमारी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी, उसके तुरंत बाद हमारा पेपर हो जाएगा। तो हमारा पेपर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, अब हमारे पास समथिंग ये मान के चलो कि पूरा 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो, JRP उसी का निकलेगा, नेट उसी का निकलेगा, जो अब सीरियस होकर बहुत गजब तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमें पढ़ाई को वापस कंटिन्यू कर देना है, वापस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल रेगुलर पढ़ना है, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आप खुद का एनालिसिस भी करते रहो। देखो, नेट का जो फर्स्ट पेपर है ना, वो आपका JRP निकलवाएगा। सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होना चाहिए, सब्जेक्ट सभी का स्ट्रांग होता है, सभी के यही होता है कि यार मेरा सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे फर्स्ट पेपर में कम नंबर है, जिसकी वजह से मेरा नेट रुक गया, जिसकी वजह से मेरा JRP रुक गया। तो ये जो फर्स्ट पेपर की जो समस्या है ना, ये खत्म होनी चाहिए भाई लोगों। ठीक है, उसके खत्म होने के दो तरीके हैं। एक तो हम ऐसा कंटेंट पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बनता है आजकल। भाई प्रेजेंट टाइम में बुक फेमस है, KVS मदान है, अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, दृष्टि IAS है, लेकिन ये बुक बहुत पुराने पैटर्न पर लिखी हुई थी। नेट का जो पेपर है ना, अब आप पिछला पेपर उठा के देखोगे, 2020 का और 2019 का, 2019 का पेपर सिंपल था, लेकिन 2020 का तुरंत डिफिकल्ट हो गया, डबल डिफिकल्ट हो गया। 2018 का सिंपल था, लेकिन 2019 का जो पेपर था वो 2018 वाली की तुलना में डबल डिफिकल्ट हो गया। हर साल पेपर का लेवल बहुत हाई जाता जा रहा है, जबकि ये जो बुक है ना, वो पुराने पेपर पैटर्न पर लिखी हुई है, 2018 में जो पेपर होता था ना, उस पेपर के बेस पर लिखी हुई है ये किताब। तो इस वजह से होता क्या है कि हम इन किताबों को भी पढ़ लेते हैं, फिर भी हमारे अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन यही है। देखो, मेरा बैच चल रहा है, अब मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ नेट के फर्स्ट पेपर का, और इसके अलावा ज्योग्राफी का। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी के लिए बैच ले सकते हो। हमारा टारगेट है JRP निकालना। आपका फर्स्ट पेपर में किसी भी तरीके से कम स्कोर होता है, आप हमारा बैच ले सकते हो। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और हम जो पढ़ाते हैं ना भाई लोगों, वो हम पढ़ाते हैं कि अब पेपर लेवल क्या रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम जब पढ़ाएंगे। तो 2020 का जो पेपर है उसका हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसको बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, फिर उस बेस पर हम आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो KVS मदान है, अरिहंत, ये सारी की सारी बुक 2018 के पैटर्न पर है। आप जब 2020 का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 50 क्वेश्चनों में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो उन किताबों में वो टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर लेवल बदलता जा रहा है।
तो हम जो यहाँ पर पढ़ाएंगे जेरप का टारगेट लेकर पढ़ा रहे हैं, बहुत गजब तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पेपर में हमारे साथ दो समस्याएं होती है, पहले टाइमिंग की समस्या होती है और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो पेपर की लैंग्वेज है, पेपर में ऐसे ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज होता है कि हमें उनका अर्थ ही पता नहीं होता। तो जब आप हमारा बैच लोगे ना तो आपके साथ ये जो कीवर्ड की समस्या होती है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम जो भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट कीवर्ड आते हैं उनका मैं अर्थ बताता हूँ और उसको मैं सेंटेंस में यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उससे जो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की प्रॉब्लम, जो कीवर्ड की प्रॉब्लम है ना, वो आपकी बिल्कुल दूर हट जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे नेट का फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हो, 80% प्लस का स्कोर करना हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है कि 40 प्लस क्वेश्चन हमारे ठीक हो, जिससे कि हमारे 80 प्लस नंबर आए, ठीक है। तो आप हमारा बैच ले सकते हो, बैच लेने के लिए कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 78 91 35 04 70, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। इंतजार नहीं करना, ध्यान रखना, इस साल में केवल एक बार ही पेपर होगा, अब दिसंबर में पेपर होने के बिल्कुल नाम मात्र चांस है। तो आपके यदि सपना या फीलिंग बैठी हुई हो कि यार अब नहीं, अगले साल जो दिसंबर में होने वाला पेपर है उसकी तैयारी करेंगे, तो ध्यान रखना दिसंबर में पेपर होने के बिल्कुल नाम मात्र चांस है। तो जो कुछ आपको करना है वो इसी बार इसी पेपर में करना है, और 100% 35 से 40 दिन तो मिनिमम बचे हुए हैं, और यदि आप 35 से 40 दिन बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हो, गजब तरीके से पढ़ते हो, गारंटी के साथ आप जेरप निकाल सकते हो, ठीक है। गारंटी के साथ आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो आप इसके लिए हमारा बैच ले सकते हो। ज्योग्राफी के कैंडिडेट हो, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, ठीक है, कितने 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ले सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जैसे 2020 में पेपर में क्या हुआ था, जो छोटी छोटी यूनिट थी ना इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, थॉट कार्टोग्राफी, जिनसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे उनसे 2020 में नाम मात्र क्वेश्चन आए, सारा एक सारा पेपर छोटी छोटी यूनिटों से बन गया। हम कभी छोटी यूनिट पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना यहाँ पर हर एक यूनिट पर बहुत स्पेशल तरीके से फोकस किया गया, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग समरी टाइप के हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप यदि ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो, नेट के फर्स्ट पेपर से हो तो नेट का फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद मैं बताऊं भाई लोगों, मेरे मॉक टेस्ट आ रहे हैं ज्योग्राफी के भी और नेट के फर्स्ट पेपर के भी, फर्स्ट पेपर के भी और ज्योग्राफी के भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं। देखो एक हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें हम पढ़ाई कर रहे हैं बहुत गजब तरीके से, तो हम रेगुलर 5 घंटा फिक्स कर रखे हैं कि भाई फर्स्ट पेपर को मेरे को रेगुलर 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। हम खुश रहते हैं कि यार पिछली बार की तुलना में मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, अब की बार मेरे रियलिटी से बिल्कुल रियल है कि मेरे पिछली बार की तुलना में ज़्यादा नंबर आएंगे, मैं अब रेगुलर पढ़ रहा हूँ, पिछली बार मैं फर्स्ट पेपर को थोड़ा इग्नोर करता था, ठीक है। जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं फिर हमारे साथ वही होता है कि हमारे कम नंबर आते हैं, तो उसके लिए मैं एक मॉक टेस्ट का सिस्टम लेके आया हूँ, आपको बीच में ही पता चल जाए, आपको अपनी तैयारी के दौरान ही पता चल जाए कि आपकी रियल स्थिति क्या है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट ले सकते हो, नेट जेरप के फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट हैं, चार्ज ओनली 200 रुपये, 200 रुपये में 10 मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। जब आप क्वेश्चनों को देखोगे ना तो रियलिटी के साथ आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यार पेपर बिल्कुल इसी टाइप का आता है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो पेपर टाइप का बने बनाए, बिल्कुल जो हमारे पेपर का लेवल आ रहा है ना उसको बिल्कुल ध्यान रखा है, जो पेपर पैटर्न है उसको बिल्कुल ध्यान रखा है, ठीक है। तो अब भी यदि आप लेते हो नेट के फर्स्ट पेपर का तो 200 नहीं बल्कि 150 रुपये चार्ज है केवल 2 दिन के लिए, ठीक है। आप यदि 2 दिन के अंदर अंदर नेट जेरप के फर्स्ट पेपर के 10 मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो 200 रुपये नहीं बल्कि आपको मात्र 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, टोटल आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे और 500 के 500 क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल फुल डिटेल से, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फुल डिटेल से, फुल समरी टाइप से, ठीक है। एक तरीके से मैं बताऊं तो इन 500 क्वेश्चनों से ही आपका एक बार सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हमने हर एक चीज़ को ध्यान रखा है, हमने मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाया, जैसे मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आने लगे वो उठाया हमने, इसके अलावा जो सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है वो उठाया है, आजकल जो इंडिया लॉजिक है जैसे अनुपलब्धि प्रमाण है
वैध प्रमाण है, इनसे भी हमने क्वेश्चन बनाए, क्योंकि 2020 में यहाँ से क्वेश्चन बन के आए थे। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है बिल्कुल पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि जब आप पेपर खरीदोगे, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, जब आप ये पेपर दोगे और उसके बाद आप पेपर देने के लिए जाओगे, तो आपको रियल में ऐसा लगेगा कि हमारी ये जो 150 रुपये ना, ये खर्च वेस्ट नहीं गए, ये हमारे बहुत काम के रहे हैं। और ये भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितना स्कोर आपका यहाँ पर होगा ना मेरे 10 मॉक टेस्ट में, उतना ही स्कोर आपका वहाँ पर होगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए उसकी बात अलग है, बाकी जितना स्कोर यहाँ पर करोगे आप, उतना ही स्कोर आपका वहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पेपर हैं जो बिल्कुल पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। तो केवल 150 रुपये में 10 मॉक टेस्ट हैं, आप ले सकते हो, बहुत गजब के मॉक टेस्ट हैं। आपको रियल में आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में पेपर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट ले सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी के भी मॉक टेस्ट हैं, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट देना चाहो तो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। इनका चार्ज ओनली 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये है। ठीक है, वही कॉन्टैक्ट नंबर है 78-91-35-04-70। ठीक है, 78-91-35-04-70 मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर है। तो आप चाहो तो बैच ले सकते हो, आप चाहो तो मॉक टेस्ट ले सकते हो, आपके ऊपर है। 100% बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।